हूँ आपकी होस्ट रसियन जी, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज। तो हम इस वक्त मौजूद है जल्लो मोड़ नथो गांव में, हमाद फाउंडेशन स्कूल में मौजूद है, और यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हैं जो कि ऑनर भी हैं, और यहाँ के जो इंतज़ाम है, जो स्कूल के जितने भी काम हैं वो खुद करते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आए हम उनसे पूछते हैं कि किस तरह के स्कूल को इन्होंने स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी सर, तो बताएं ये किस तरह आपने स्टार्ट किया स्कूल? ये 2007 में हमने स्टार्ट किया था, जो तो की गाँव के खास तौर पर बच्चियों को मदद रखते हुए उनके लिए बाहर जाना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो इस वजह से हमने इस कार्य को स्टार्ट किया ताकि हमारी जो गांव की बेटियां हैं उनको बाहर जाने के लिए जो परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि आने जाने के लिए ट्रैफिक का भी प्रॉपर कोई इंतज़ाम नहीं है, तो इस बुनियाद पर हमने इस अदारे को स्टार्ट किया था ताकि हमारे गाँव की बच्चियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से अच्छी तरीके हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, शुक्र है कि आज तक जो है हमारे पास से यहाँ से पढ़ के जाने वाले जो स्टूडेंट्स बच्चियाँ हैं हमारी वो मास्टर तक पढ़ के गई हैं हमारे पास, और आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह और सिलसिला जारी है। और यहाँ पे जो गांव के लोग हैं, लड़कों लड़के जो हैं वो ज़्यादातर बाहर निकल जाते हैं, बाहर आ जा सकते हैं गाड़ी पर भी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो बच्चियों के लिए आता है। अच्छा, शुरू की तादाद में कितने बच्चे थे आपके पास? 300 के आसपास थे हमारे पास बच्चे, लेकिन कोविड के बाद जो है वो दोबारा से हम लोग अच्छे तरीके से जिस तरीके से पहले निज़ाम चल रहा था वैसे हम स्टैब्लिश नहीं हो सके, तो कोविड की वजह से लोगों ने ज़्यादातर बच्चियों जो कि हमारे घरों में बैठ गई और वो दूसरे काम काज में वालदेन का मुंबई बहुत ज़्यादा इंतजाम नहीं चलता, घर का चूल्हा पता नहीं कैसे हम जला रहे हैं, लिहाजा हम आगे बच्चियों को कैसे पढ़ा सकें, तो इसलिए बच्चियों जो कि ज़्यादातर घर में। यहाँ पे आपने जो टीचर्स हैं वो कितने हैं, हमारे पास टोटल स्टाफ जो है वो सारे का सारा फीमेल है मेरे अलावा। जी ठीक है, और हमने भी आते हुए देखा है कि सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, हम ड्रेस अंदर आए हैं। तो बाकी सिक्योरिटी के हवाले से ये है कि अल्लाह का शुक्र है चारों तरफ से हमारी बाउंड्री जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से हर लिहाज से बेहतरीन है, सिर्फ गेट पे सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो ऐसा कोई सामना नहीं हुआ यहाँ पे, और ना ही अल्लाह करे कि आगे ऐसा कोई मामला बने, क्योंकि हम घरों के अंदर बैठे हुए हैं तो इसलिए ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। काफ़ी जगहों पर बच्चे उठाए जा रहे हैं, हाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है जो मोस्टली पेरेंट्स बच्चियों को खुद छोड़ के जाते हैं और लेके जाते हैं, और किसी पेरेंट्स की परमिशन के बगैर हम किसी बच्चे को यहाँ से जाने। अच्छा, यहाँ सफाई सुथराई का क्या मसला काम है यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, पानी और यहाँ पे अक्सर होता है कि वो टीचर जो होते हैं ना वो बच्चों को मारते हैं, उनकी पनिशमेंट बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो क्या आप भी इस तरह करते हैं? इस चीज़ के हवाले से तो मैं खुद बहुत ज़्यादा सख्त हूँ, बच्चे को मारना नहीं, मार के हवाले से बिल्कुल भी ऐसा कोई यहाँ पे सीन नहीं है, और ना हम होने लगते हैं।